मैथ्स का होमवर्क हो गया। हाँ अभी हिंदी का करता हूँ। अरे मानव ने मेरी हिंदी की किताब कहाँ रख दी? ये रही। अरे भविष्यबिन, नटखट परी के आविष्कार भविष्यबिन को तो मैं भूल ही गया था। परिलोक से आने के बाद मैं इसे ठीक से देख ही नहीं पाया। चलो अभी देख लेता हूँ। और किसको देखो? हाँ मानो को दिखता हूँ, वही सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसता रहता है। कैसा भविष्य बिन है? मैं दुर्घटना पूछ रहा हूँ और ये मानव को मच्छर काटता हुआ दिखा रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देखता हूँ। इस बार मेहर को देखता हूँ। अरे इसमें तो मेहर को भी मच्छर काटता हुआ दिखाई दे रहा है। मच्छर काटना भी कोई दुर्घटना होती है, और वो भी मानव और मेहर को, दोनों को एक साथ ही? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये भी नटखट परी की कोई शरारत है। इसमें ठीक से भविष्य दिखता ही नहीं। अभी नटखट परी को लौटा के आता हूँ। वो होने वाले, वो होने वाले। मानव, हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि कभी कभी कानों से सुनी हुई बात भी गलत हो सकती है। पर वो सिर्फ कानों से सुनी हुई बात नहीं थी, हमने अपने आंखों से देखा है। और मैंने चश्मा भी पहना था। मामा अजीब सी छल्ली ले आई है, पापा वो शर्ट ले आई है जैसे वो कभी नहीं पहनते। अब और क्या जानना बाकी है? अब जानना बाकी है कि पापा हमें पंचगनी लेकर जा रहे हैं या नहीं, और हम ये जानकर ही रहेंगे। कैसे? नखड़बरी, बालवीर, कुछ करो बालवीर। नखड़बरी, आपके हाथ में क्या है? ये तुम्हारे लिए एक नया यंत्र है, मैं इसकी जांच कर रही हूँ। नहीं नहीं नखड़बरी, और यंत्र मत बनाइए, आपका दिया हुआ भविष्य भी ठीक से काम ही नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है बालवीर? मैंने जब इसकी जांच की थी तब तो भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है सब कुछ दिखाई दे रहा था। भविष्य तो दिखता है पर कुछ खास बात पता नहीं चलती। अब आप ही बताइए, मच्छर काटना भी कोई दुर्घटना होती है? ऐसी मुसीबत से तो हम बच्चों को मच्छर भगाओ यंत्र से भी बचा सकते हैं। हाँ, और साफ सफाई का ध्यान रख के भी मच्छरों से बचा जा सकता है। ये लीजिए। लगता है कोई तकनीकी खराबी आ गई है। तुम चिंता मत करो बालवी, मैं इस यंत्र की जांच करके इसे ठीक कर दूंगी और फिर तुम्हें वापस लौटा दूंगी। ठीक है नटखट परी, तब मैं चलता हूँ। खुश रहो नटखट परी। खुश रहो बालवी। वाह 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 वाह। डूबा डूबा, अभी तो मैंने इस यंत्र की जांच ही नहीं की है। नहीं, बात कर रहा मैं इस यंत्र की, बात कर रहा हूं मैं इस लड्डू की। वाह, आ गया मजा लड्डू खा के। शुक्रिया नटखट परी आपका कि आपने कल ही दिखा दिया मुझे भविष्य बिन में ये। हाँ, वरना अगर नहीं रखता मैं अपना पेट खाली तो कैसे खाता इतने सारे लड्डू भर के पूरी थाली। शुक्रिया डूबा डूबा। अरे देखो देखो डूबा डूबा चार। अगर भविष्य बिन ने डूबा डूबा को सही भविष्य दिखाया तो फिर बालवीर को बच्चों पर आने वाली सही दुर्घटना क्यों नहीं दिखाई? आउच, मानव, वो देखो, चश्मा पहना। आती, उनसे इनफॉरमेशन निकलवाते। तो
दादी माँ। ओ दादी माँ। कुछ काम है? हाँ। नहीं नहीं नहीं। हाँ। ना। हाँ। ना। हाँ या ना? हाँ। कुछ खास काम नहीं है। हमें बस ये जानना है कि हम जब बड़े होते हैं तब फिर से बच्चे बन जाते हैं। हाँ, बुढ़ापे में सब बच्चों जैसे हो जाते हैं। फिर आप भी बच्चों की तरह हो? यानी मैं बूढ़ी हो गई हूँ? हाँ नहीं, मेरा मतलब था। अरे हाँ भाई, हाँ बूढ़ी हो गई हूँ, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? हाँ? अच्छा तो दादी, अगर आप बच्चे हैं तो आप हमारे बच्चों की टीम में हुई ना? बिल्कुल। तो दादी, अगर आप बच्चों की टीम में, तो आप बच्चों की टीम के लिए एक बात का पता लगा सकती है? हाँ लगा सकती हूँ। बोल, क्या बात पता लगानी है? दादी, सिर्फ ये बात पता लगानी है, क्या हमारे पापा हमें सचमुच पंचगनी लेकर जा रहे हैं? क्या बस तुम लोगों को पंचगनी लेकर जा रहे हैं? पर क्यों? यही तो पता लगाना है दादी। तो उसमें बड़ी बात क्या है? मैं अभी जाकर पूछ लेती हूँ। महेश। दादी दादी दादी, सीक्रेट मिशन, ऐसे नहीं पता लगाना। तो कैसे पता लगाना है? ऐसे पता लगाना है कि पापा को पता ही ना चले कि हम क्या पता लगा रहे हैं, और हम लोग को भी पता चले जो हम लोग को पता लगाना है। बस इतना समझ लो दादी, जासूसों जासूसों की तरह हमें पता लगाना है। अच्छा, क्यों जासूसों की तरह? क्यों? इनको हर एक बार डिटेल में बतानी पड़ती है। हाँ? क्या बोला? कुछ नहीं कुछ नहीं दादी, पापा हमसे ये बात छुपा रहे, और बच्चों से कोई बात छुपाना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है तो? और ये बात तो उसने मुझसे भी छुपाई है। क्या? आपसे भी ये बात छुपाई है? तो दादी, ये बात भी अच्छी नहीं है। हाँ, मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। हाँ? अंधेरा क्यों है? अंधेरा क्यों है? अंधेरा क्यों है? अंधेरा क्यों है? अपुन को तो लगा था नई नई जिंदगी बड़ी है, आज खूब रोशनी होगी, दावत होगी, लेकिन लगता है चांद पलटी मार कर दूसरी साइड पर निकल गया है। अरे चांद को अपुन बोला पलटी मार के उधर देखने को, आज अपने चांद के लिए अपुन ने खुद का ही चांद बनाया, समझी गया मेरी लिपस्टिक? कितनी बार बोला है अपुन को तेरी ये फिल्मी डायलॉग बाजी पसंद नहीं है। डायलॉग बाजी पसंद नहीं है, लेकिन अपुन डांस पे चांस तो मार सकते है ना? ये लिपस्टिक आज बकवास नहीं रहे, आज अपुन पूरे अक्षर पलटन के सामने अपना दिल अपने हाथ में लेके तेरे को शादी का ऑफर मारता है, क्योंकि तू अपुन के लिए खास है, तेरे साथ लाइफ झक्कास है, तेरे कोई बनना है अपुन की वाइफ, क्योंकि तू ही है अपुन का लाइफ। बोल क्या बोलती है रे तू? ये रिसोर्ट बढ़िया है, यहाँ बच्चों को बड़ा मजा आएगा। यहाँ बड़ा मजा आएगा, यहाँ बच्चों को, है ना? मामा, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे डर तो मैं गई, पर तू ये कंप्रेसर्स में क्या देख रहा था? कंप्रेसर्स नहीं माँ, कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर कहते हैं। हा? हाँ वो वही, सेम टू सेम। हाँ, पर क्या देख रहा है?
बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ माँ। लेकिन आपको क्या काम था? अब काम अब ये मैं क्या सुन रही हूँ माँ? आप जो सुन रही हैं वो तो आप ही को पता होगा ना। हाँ अब तू तो मुझे कुछ सुनाता नहीं हा? तो फिर मुझे अपने आप ही सुनना पड़ेगा ना। नहीं नहीं माँ लीजिए मैं सुनाता हूँ आपको। आप क्या सुनना पसंद करेंगी? किशोर, रफी, हाँ आपका फेवरेट मुकेश यहाँ है ना अपने पास है। मैं गाने की बात नहीं कर रही हूँ, जाने की बात कर रही हूँ। ओ हाँ तो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, उसमें क्या? अरे मैं तेरे जाने की बात नहीं कर रही हूँ। तो मैं तो मैं मेरे जाने की बात कर रही हूँ। हाँ तो माँ जाइए, लेकिन माँ दरवाजा बंद कर देना ताकि बच्चे अंदर ना आ जाए। अरे मैं मेरे जाने की बात कर रही हूँ, कल मुझे बुआ के घर जाना है तो तू मुझे छोड़ने आएगा? हाँ हाँ क्यों नहीं, उस बहाने मैं भी बुआ से मिल लूंगा। हाँ आऊंगा। यानी कल ये कहीं नहीं जा रहा है। अब सुन मैं कल नहीं जाती हूँ, शायद वो कल घर पे ना हो तो हा? हम परसों चले जाते हैं। ठीक है परसों जाएंगे। ठीक है यानी ये परसों भी कहीं नहीं जा रहा है। नहीं परसों तो मुझे बहुत जरूरी काम है, तो हम उसके अगले दिन चले जाते हैं। ठीक है? नहीं नहीं माँ उसके अगले वाले दिन है ना हम लोग कहीं बाहर जाने वाले हैं। कहाँ? माँ पंचगिनी बच्चों के लिए सरप्राइज सोचा है मैंने। सरप्राइज? हाँ पर सरप्राइज तो तू यहाँ पे भी दे सकता है, उसके लिए पंचगनी जाने की क्या जरूरत है? हाँ पिकनिक, पूरा फैमिली मिलके पंचगनी जाके पिकनिक मनाएंगे। बहुत मजा आएगा। मैं यही बात ना बच्चों को सुना कराती हूँ। नहीं, नहीं नहीं बच्चों को ही तो नहीं बताना है, वरना क्या होगा अभी से पढ़ाई से ध्यान चला जाएगा और बच्चे पिकनिक के मूड में आ जाएंगे। तो माँ बच्चों को बताना नहीं है। हाँ नहीं है। हाँ हाँ ये इधर ये यहाँ जा। दादी 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 पता लगा? ना वो तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। पर आप तो हमारी टीम में थे। हाँ हूँ तो आप लोगों की टीम में, पर मैं आप लोगों को नहीं बता सकती क्योंकि मैं वो महेश को प्रीमाइस दे के आई हूँ। प्रीमाइस नहीं दादी, प्रॉमिस। हाँ वो वही सेम टू सेम। दादी ये चीनेंगे चीनेंगे दादी। एक मिनट दादी अब जबान से जवाब नहीं दे सकती, पर सर हिला के हाँ या ना में जवाब तो दे सकती है ना? हाँ तो आप बताइए पापा हमें पंचगनी लेके जा रहे हैं या नहीं? अब तो ये पक्का हो गया पापा हमें पंचगनी लेकर ही जाएंगे। ए, पर ये बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई है क्योंकि महेश को लगेगा कि मैंने आप लोगों को बता दिया और आप अभी ये पढ़ाई बढ़ाई सब छोड़ दोगे और पैनिक करना शुरू कर दोगे। पैनिक नहीं करेंगे तो क्या पिकनिक मनाएंगे? ये होने वाला है। हाँ बोला। मुझे बोलना लिपस्टिक को है और ब्लड प्रेशर सादा बढ़ रहा है। हाँ हो अपनी भी हार्ट बीट रेल के इंजन की तरह भाग रही है। मेरा जवाब है ना ना ना। शादी और तुमसे कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ओ जी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी। अरे तू अपुन से शादी का ऑफर ठुकरा रही है? देख ली पिस्टिक
सब कुछ करने का, लेकिन पब्लिक में मुन्ना को इंसल्ट नहीं करने का। अरे क्या कमी है मुझमें? अखा मच्छर लैंड में टॉर्च लेकर निकलेगा ना, तब भी अपने साथ टॉल डार्क एंड हैंडसम मच्छर नहीं मिलेगा तेरे को। मालूम है कितना हैंडसम है तू, लेकिन और कितने दिन हैंडसम रहेगा? सिर्फ 4 दिन की तो चांदनी है तेरी, और उसमें से 2 दिन की बैटरी खाली भी हो चुकी है। वो खाली हो गई है, खाली हो गई है, खाली हो गई है, खाली हो गई है। अरे तू टेंशन क्यों लेती है? बैटरी रिचार्ज करने का चार्जर मिल गया ना अपुन को, फटाफट फुल रिचार्ज मारेगा अपुन, बोले तो 100 में से 100। सिर्फ बातों से ही रिचार्ज करेगा क्या? अपुन को देख, एक ही दिन में 15 दिन की जिंदगी बढ़ा कर आई हूँ, और तेरा तो अभी तक खाता भी नहीं खुला है। आया बड़ा, नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला, नहीं खुला। अरे खाता खुलने में टाइम जरूर लग गया है, पर मुन्ना क्रीज पे टिकने वाला बैट्समैन है। अरे एक बार हिटिंग चालू किया ना तो सेंचुरी मार कर ही आता है बोले तो। तो फिर मेरे प्यारे मुन्ना, अब उनके पास शादी का ऑफर लेकर भी तभी आना जब तेरी जिंदगी की सेंचुरी का गारंटी कार्ड बन जाए। कार्ड बन जाए, कार्ड बन जाए, कार्ड बन जाए, कार्ड बन जाए। तो ठीक है, ये मुन्ना का प्रॉमिस है तेरे से, अपुन तेरे घर में बारात उसी रात लाएगा जब मुन्ना की जिंदगी का 100 नॉट आउट का गारंटी कार्ड मुन्ना की जेब में होगा। सोच ले मुन्ना, अगर तेरे पहले किसी और ने सेंचुरी बना ली तो ये लिपस्टिक उसके साथ शादी करेगी। ये सुन लिपस्टिक, देखना एक दिन ये हूं को ना आवे पागल के रहेगा मुन्ना, कसम पैदा करने वाले की।